गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अजय प्रताप, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी गवर्नमेंट एटीएस चंदौली, एक बार पुनः इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पिछले दिनों मेरे द्वारा आप लोगों को संत कबीरदास जी द्वारा रचित रचना साखी में 5 दोहों का अध्ययन कराया गया। आशा है आप लोगों को इन 5 दोहों का अर्थ भलीभांति समझ में आ गया होगा। आइए आप लोगों को ले चलते हैं संत कबीरदास जी द्वारा रचित रचना साखी के दोहा नंबर 6 की तरफ, जिसमें संत कबीरदास जी लिखते हैं, भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। एक बार इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। भगत का अर्थ होता है भक्ति करना, भजन का अर्थ होता है भजन कीर्तन करना, हरि का अर्थ है ईश्वर, नाव का अर्थ होता है एक नौका जिसके द्वारा हम नदी या सागर को पार करते हैं। दूजा मीन्स दूसरा, अपार मीन्स अत्यधिक, दुख का अर्थ होता है दुख, मनसा का अर्थ होता है मन से, वाचा का अर्थ होता है वाणी से, कर्मणा का अर्थ होता है कर्म से, सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण, सार का अर्थ होता है तत्व। यहाँ पर सार का अर्थ परम ब्रह्म से भी है। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। संत कबीरदास जी इस माया रूपी संसार में जीवन यापन कर रहे मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ऐ संसार के मानव, भगत भजन हरि नाम है। ईश्वर की भक्ति और आराधना करना, भजन कीर्तन करना ईश्वर के नाम के समान है। इसके अलावा इस माया रूपी संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह अपार मीन्स अत्यधिक दुख देने वाला है। इसलिए मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा और कर्म से, उस सार का अर्थ होता है परम ब्रह्म की, परम तत्व की, परम परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। एक बार पुनः देखेंगे, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर की भक्ति करना, भजन कीर्तन करना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाव के समान है। अर्थात ईश्वर की भक्ति भजन आराधना करना एक ऐसी नाव है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस माया रूपी संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह अपार दुख देने वाला है, अत्यधिक दुख देने वाला है। इसलिए ऐ संसार के मानव, इस मोह माया से विरक्त होकर के, दूर होकर के, मन से, वाणी से और कर्म से हमें उस परम ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, उस परम ब्रह्म की, परम परमात्मा की पूजा आराधना करनी चाहिए। कबीर चित्त चमकियां, अगला दोहा है, कबीर चित्त चमकियां, चहु दिस लागी लाए,
हरि सुमिरण हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाए। एक बार इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कबीर चित्त चमकियां, चित्त का अर्थ होता है मन, चमकियां का अर्थ होता है चमक उत्पन्न करने वाला, यहां पे अर्थ होगा चंचल। चहु दिश, चहु का अर्थ होता है चारों, दिश का अर्थ होगा दिशाओं में, लागी लाए आग लगी हुई है। हरि सुमिरण, हरि का अर्थ होगा ईश्वर, सुमिरण स्मरण, हाथु का अर्थ होगा हाथ में, बेगे मीन्स तेजी से, लेहु मीन्स लीजिए, बुझाए मीन्स बुझा, तेजी से बुझा लीजिए। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास जी मोह माया में फंसे हुए, मोह माया में भ्रमित संसार के मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ऐ संसार के मानव, चित्त चमकियां, ये जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, बड़ा चंचल है। चहु दिश लागी लाए, और चारों दिशाओं में मोह माया ईर्ष्या लोभ मद मत्सर रूपी आग लगी हुई है। ये जो हमारा मन है, बड़ा चंचल है, यह हमेशा इधर उधर घूमता फिरता रहता है, और चारों दिशाओं में इस मोह माया रूपी संसार में चारों दिशाओं में ईर्ष्या लोभ मोह मद मत्सर रूपी आग लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथु घड़ा, हरि मीन्स ईश्वर के स्मरण रूपी, ईश्वर के भजन कीर्तन रूपी घड़े को हाथ में लेकर के तेजी से, बेगे का अर्थ होगा तेजी से, इस लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या रूपी अग्नि को बुझा लो। एक बार पुनः देखते हैं, संत कबीर दास जी कह रहे हैं, ऐ संसार के मनुष्य, ये जो हमारा मन है, बड़ा चंचल है, और चारों दिशाओं में ईर्ष्या लोभ मोह मद मत्सर रूपी आग लगी हुई है। इस चारों दिशाओं में लगी हुई आग को ईश्वर के स्मरण रूपी भजन कीर्तन रूपी घड़े को हाथ में लेकर के तेजी से इस ईर्ष्या लोभ मोह मद मत्सर रूपी अग्नि को क्या करो, बुझा लो। आइए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। संत कबीर दास जी कह रहे हैं, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। एक भक्त है जो ईश्वर की आराधना में तल्लीन है, वह मन वचन और कर्म से ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना कर रहा है, और वह कह रहा है, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। आइए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंसड़ियां का अर्थ होगा आंखें, झाई का अर्थ होगा धुधली छाया, पंथ का अर्थ होता है रास्ता, निहार निहार का अर्थ होगा देखने से, जीभड़ियां जीभों में, छाला पड़ा छाला पड़ गया है, राम पुकार 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 का अर्थ होगा बोलने से, बार बार पुकारने से बुलाने से। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। संत कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में ईश्वर की पूजा आराधना में तल्लीन एक भक्त की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वह भक्त अपनी मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, कह रहे हैं, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। उस परम ब्रह्म के, परम पिता परमेश्वर के, उस परमात्मा के पंथ मीन्स रास्ते को निहारते निहारते, उस परम ब्रह्म के
आने के रास्ते को देखते देखते मेरी आंखों के सामने धुंधला सा पड़ गया है, कुछ अंधकार सा पड़ गया है, अंधकार सा दिखाई दे रहा है। अर्थात ईश्वर की भजन कीर्तन करते करते ईश्वर के आने वाले रास्ते पर अपने नेत्रों को एकटक लगाए हुए देखते देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है, धुंधला सा मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जी भड़िया छाल्या पड़ा, राम पुकार पुकार। और उस परम ब्रह्म, उस परम पिता परमेश्वर के नाम को, राम रूपी नाम को पुकारते पुकारते, स्मरण करते करते, उस परम ब्रह्म राम की पूजा अर्चना करते करते, नाम रटते रटते मेरे जिह्वा में छाला पड़ गया है। आइए ले चलते हैं आपको संत कबीरदास जी के अगले दोहे की तरफ, जिसमें संत कबीरदास जी संसार में मोह माया से ग्रसित मानव जात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु बोध। कहा गया है, एवरीथिंग हुई सीन बाई यस इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ आर मार्टल। प्रत्येक वस्तु जो इस माया रूपी संसार में इन लौकिक नेत्रों से दिखाई दे रही है, सब नश्वर है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन यह उठता है, प्रश्न यह उठता है, अगर जो भी वस्तुएं इस माया रूपी संसार में इन नेत्रों से दिखाई दे रही हैं, लौकिक नेत्रों से, ये नष्ट हो जाएंगी, तो फिर इस माया रूपी संसार में स्थिर रहने वाली वस्तु कौन सी है? तो प्रिय छात्रों, स्थिर रहने वाली वस्तु वही है जो इन लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देती, अर्थात वह वस्तु है परम पिता परमेश्वर, वह परम ब्रह्म। प्यारे बच्चों, संत कबीरदास जी मोह माया में फंसे हुए, मोह माया से ग्रसित मानव जात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहत। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ संसार के मानव, तुम इस माया रूपी संसार में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए, इन झूठे सुख सुविधाओं को प्राप्त करके तुम इन्हें सुख का नाम देते हो। तुम इन झूठे सुख सुविधाओं में नष्ट होने वाली वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हो। मानत है मनमोद, और अपने मन में मोद, मोद का अर्थ होता है आनंद, अपने मन में आनंदित हो रहे हो, खुशी का अनुभव कर रहे हो। ये जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, चबैना का अर्थ होता है दाना, काल का अर्थ होता है समय, मुख में कछु गोद, कुछ गोद में है। आइए चलते हैं एक बार पुनः व्याख्या की तरफ। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ संसार के मनुष्य, संसार के मानव, इस मोह माया रूपी संसार में जो भौतिक सुख सुविधाओं को देख रहे हो, इन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके जो तुम इनमें सुख ढूंढ रहे हो, ये जो तुम्हारे सुख हैं, ये झूठे हैं, ये नश्वर हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके तुम इनमें सुख ढूंढ रहे हो और इनको सुख कह रहे हो, और अपने मन में मोद आनंदित हो रहे हो, अपने मन में खुशी का अनुभव कर रहे हो। ये जगत, ये जो संसार है, इस संसार काल मीन्स समय का, चवैना मीन्स दाना है। ये जो माया रूपी संसार है, ये महाकाल का दाना है, जो कुछ तो उसकी मुख में चला गया है और कुछ अभी उसकी गोद में है, कुछ अभी उसके हाथ में पड़ा हुआ है। आने वाले समय में वह भी क्या होगा, उस महाकाल के मुख में चला जाएगा। अर्थात जो भी वस्तुएं इस भौतिक संसार में
इस माया रूपी संसार में तुमको दिखाई दे रही हैं वह समस्त वस्तुएं एक दिन क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इस मोह माया में पड़ करके इन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके इसमें सुख का अनुभव ना करो, अपने मन कर्म और वचन से उस परम ब्रह्म को प्राप्त करो, उस परमात्मा को प्राप्त करो, उसी से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस माया रूपी भवसागर से मुक्ति मिल सकती है, इस माया रूपी भवसागर को आप प्राप्त पार कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। संत कबीर दास जी कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था, एक बार शब्दार्थ देखेंगे, मैं का अर्थ होगा यहाँ पर अहंकार, अहम। हरि का अर्थ यहाँ ईश्वर, पुनः हरि का अर्थ ईश्वर और मैं का अर्थ होगा अहंकार। अंधियारा का अर्थ होता है अंधकार, दीपक जिससे प्रकाश मिलता है, माँ ही का अर्थ होगा मुझे या मेरे द्वारा देखा देखा गया। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। संत कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से मानव समाज को संदेश देते हुए कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अज्ञान रूपी अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर मेरी आत्मा में मेरे हृदय में ईश्वर का ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं था, अब हरि है। अब मेरे हृदय में मेरी अंतरात्मा में हरि ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल गए हैं, मैं ना आए। अब मेरे हृदय से अहंकार रूपी अज्ञान जो है वह दूर हो गया है, अब मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार दूर भाग गया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मेरे द्वारा भजन कीर्तन के द्वारा उस परम ब्रह्म का दर्शन हुआ, जब मेरी अंतरात्मा में उस परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का दर्शन हुआ, परम पिता परमेश्वर का निवास हुआ, तो मेरे हृदय का समस्त अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह दूर हो गया, वह नष्ट हो गया। एक बार पुनः व्याख्या की तरफ। संत कबीर दास जी कह रहे हैं, जब मेरे हृदय में मेरी अंतरात्मा में अहंकार था, अज्ञान रूपी अहंकार था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का ज्ञान रूपी प्रकाश या ज्ञान रूपी ईश्वर नहीं थे या ज्ञान रूपी ईश्वर का वास नहीं था, अब मेरे हृदय में ईश्वर ज्ञान रूपी ईश्वर का वास हो गया है, अब मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अहंकार दूर हो गया है। जब मेरे द्वारा ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त ईश्वर का दर्शन प्राप्त किया गया, तब मेरे हृदय में चारों तरफ ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया और मेरे हृदय से समस्त अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह दूर हो गया, नष्ट हो गया। प्रिय छात्रों, आशा है मेरे द्वारा बताए गए दोहों के शब्दार्थ और उनकी व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज हम इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में इस क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।